कहते हैं कि ये दो शहजादों के इक्तदार की जंग थी, नाउज बिना इंतजारे, जिनको इक्तदार की जंग लेनी होती है वो फौज लेकर जाते हैं। इमाम आलिम हज के लिए पूरे हरम के अंदर, हरम भरा हुआ था, पूरी दुनिया से हुज्जाज आए थे, अगर वहां इमाम हुसैन खुतबा दे देते कि भाई नबी के दीन के लिए निकलना है, चलो मेरे साथ, तो वहां हजारों की फौजें ना आपके साथ चलती। इसलिए आप जब लोगों के खतूत आ गए तो आप चले गए, क्यों? रसूलुल्लाह का हुक्म है कि जमातुल मुस्लिमीन को जब दीन की जरूरत हो तो उस दौर में जो सबसे बड़ा आलिम होगा, उस दौर में जो सबसे बड़ा फाजिल होगा, उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो अपना हक अदा नहीं करेगा तो वो भी खाइन कहलाएगा। तो क्या ये ऐसा मुमकिन था कि रसूलुल्लाह की आल पर खाइन होने का इल्जाम आता? ऐसा मुमकिन था कि रसूलुल्लाह की आल पर कोई ऐसा इल्जाम आता कि इन्होंने दीन के साथ धोखा किया है? इसलिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने करबला का सफर किया, इसलिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने कूफा का सफर किया, इसलिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो इतनी बड़ी कुर्बानी अता फरमाई कि 6 माह के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया दीन बचाना है, शबीह मुस्तफा अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया कि दीन बचाना है, खानदान नबूवत के 20 अफराद को कुर्बान कर दिया दीन बचाना है, और फिर 71 अफराद को कुर्बान कर दिया दीन बचाना है, और फिर जब इस नतीजे पर पहुंचे कि दीन तो बच जाएगा लेकिन हुसैन की कुर्बानी मांगता है तो अपने आप को पेश कर। इसलिए ये तरबियत मुस्तफा थी कि इमाम हुसैन को मुस्तफा ने इस मार्के के लिए तैयार किया था, क्योंकि दीन की हिफाजत करनी थी। अब नबूवत का सिलसिला तो खत्म हो चुका था, तो इसलिए ये एजाज अल्लाह ने आले रसूल को अता फरमाया, और इसीलिए हुजूर अल्लाह नबी अलैहि सलातो व सलाम ने मर्तबा भी बयान कर दिया कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। उसकी वजह क्या है कि हुसैन का जो अमल है मुस्तफा का अमल है, हुसैन का जो किरदार आप देखेंगे वो मुस्तफा का किरदार है, हुसैन की जो कुर्बानी देखेंगे वो कुर्बानी खाली हुसैन की नहीं है, वो मुस्तफा की मंशा और मर्जी के साथ हो रही है, क्योंकि कयामत तक ये दीन बचाना है। इसलिए दीन बचाना है कि आप खातमुन अबियान हैं, नबी पाक खातमुन नबीयीन हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खातमुन नबीयीन हैं तो खातमुन नबीयीन के खातमुन अदियान दीन को बचाने के लिए फिर एक ऐसी पारसा शख्सियत की जरूरत थी कि जिसका ताल्लुक भी रसूलुल्लाह के साथ है, नस्बी ताल्लुक भी हो, खूनी ताल्लुक भी हो, और फिर शफकत का ताल्लुक भी हो, मोहब्बत का ताल्लुक भी हो, तरबियत का ताल्लुक भी हो। तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने दी, तो ये इस कुर्बानी के लिए हुजूर ने उनको अपने हाथों से तैयार किया। ये है असल में करबला की।